भाई 4-5 जगह में बहुत तगड़ी खबर चल रही थी कि भाई रियूनियन किया जा रहा है बाहुबली की कास्ट को, जिसमें राणा दुगुपति हैं, तमन्ना है, अनुष्का है, प्रभास है, और भाई राजामौली साहब तो होंगे ही। ही इज द वन, ही इज द मास्टरमाइंड बिहाइंड बाहुबली। और भाई फिर मैंने सोचा कि भाई क्यों ना स्टडी किया जाए इस चीज को, इसके पीछे राज का है। बहुत सारी फोटोज एंड वीडियोज देखी, देन आई गोट टू नो कि भाई देखिए जब बाहुबली बाहुबली कंक्लूजन आया था तो उस टाइम लोग ज्यादा फैमिलियर नहीं थे राजामौली से, लोग ज्यादा फैमिलियर नहीं थे राणा दुगुपति से, लोग नॉर्थ में थोड़ा थोड़ा फिल्में देख रहे थे प्रभास की, इतना फट के प्रभास सामने नहीं आए थे। उनको ये भी नहीं पता था कि भाई यूट्यूब पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये लोग तब भी अपने इवेंट करते थे इसी लेवल के साथ और अब भी करते हैं, लेकिन अब जनता ज्यादा देखती है, इनके अवार्ड्स हो गए, स्पीचेस हो गई, क्योंकि इंटरनेट से एक्सेस मिल गई, अब इन लोगों के बारे में जानकारी मिल गई कि हाँ ये ऐसा करते हैं। और जो रियूनियन की जितनी फोटोज एंड वीडियोज इस वक्त वायरल हो रही है, जहां पर अनुष्का शेट्टी खाना बना रही है, राजामौली कुकिंग कर रहे हैं तमन्ना के साथ, प्रभास भाई आराम से चिल कर रहे हैं, ये सारी की सारी फोटोज एंड वीडियोस पुरानी हैं। ये बाहुबली बिगनिंग के टाइम की है, कंक्लूजन के टाइम की नहीं। अगर कंक्लूजन के टाइम की भी होती तो भी आप लोग निकाल लेते, क्योंकि बाहुबली के बाद तो प्रभास बहुत बड़े एक्टर बन गए थे नॉर्थ की तरफ, लेकिन भाई कंक्लूजन नहीं आया था। जब बस बाहुबली आई थी तो उससे पहले दीज आर वेज ऑफ प्रमोशंस, इन लोगों ने ऐसे ऐसे प्रमोशंस किया था, छोटे छोटे स्क्रिप्ट्स लिख के भाई वहाँ की जनता को जिस तरीके से परोसा जा सकता था, राजामौली ने साम दाम दंड भेद सब लगा दिया था नॉर्थ के लिए भी, वहाँ के लिए भी, और फिल्म फटी। तो शायद जितने भी लोग ऐसा मन बना के बैठे कि भाई रियूनियन हुआ हो तो चैप्टर 3 के बारे में भी कुछ बात करेंगे, तो शायद बाहुबली इतनी ही थी, शायद नहीं आएगा कोई आगे चैप्टर, और ये भी कोई रियूनियन नहीं था, ये पुरानी वीडियो आपको दिखा दी गई है। और बाकी जितनी भी अपडेट्स हैं प्रभास से जुड़ी हुई, आप उसके लिए एक छोटा सा काम कर सकते हैं, आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्रभास से जुड़ी सारी खबरें भाई मैं आप तक पहुंचाने की गारंटी लेता हूं कि सबसे पहले सबसे फास्ट सबसे रियल सबसे ऑनेस्ट लेके आऊंगा। बाकी बस आपको बस यही करना है, सब्सक्राइब कर देना, ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, एंड बाहुबली का आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट रहा भाई वो ज़रूर बताएंगे, कैसे आपकी ज़िंदगी बदल गई, कैसे सिनेमा देखने का एक्सपीरियंस बदल गया, कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ।